अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट टीवी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूबर्स की टीम सेमीफाइनल में क्यों हार गई और इनके हारने की वजह आखिर क्या थी। वजह जानिए इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। टीम यूट्यूबर जिसमें माज सफदर, रबीका काशिफ खान और पलाज मसूद तीनों शामिल हैं और तीनों के तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। और दूसरी तरफ टीम चैम्पियंस में आमिर सियाल, उमैर मुगल और दानिया कंबल, ये तीनों भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। टीम चैम्पियंस की किस्मत हमेशा फाइनल और एलिमिनेटर्स में ही आके चलती है और टीम यूट्यूबर्स कल के मैच में बहुत बुरा हारे टीम टिकटॉकर से, लेकिन आज टीम यूट्यूबर्स ने डट के मुकाबला किया टीम चैम्पियंस का। टीम चैम्पियंस ने बहुत मेहनत की और उनका डट के मुकाबला किया टीम यूट्यूबर्स का भी। और एंड पे जब ब्रीफकेस की बारी आई तो यूट्यूबर्स के पॉइंट चैम्पियंस से ज़्यादा थे और यूट्यूबर्स ने आज का ब्रीफकेस खेला। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जब तक किस्मत साथ ना हो, तो कभी नहीं जीत सकते। और ऐसा ही हुआ कि टीम यूट्यूबर ने आज का ब्रीफकेस खेला और उन्होंने जो जो भी ब्रीफकेस मंगवाए उनमें किसी में भी 10 लाख नहीं निकला, लेकिन जो चैम्पियंस ने 8 नंबर मंगवाया उसमें ही 10 लाख था, जिसकी वजह से चैम्पियन अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। और कल का मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और दानिश तैमूर ने भी यही कहा कि कल का मुकाबला गेम शो की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन मुकाबला होगा, क्योंकि चैम्पियंस और टिकटॉकर्स आपस में एक वार की तरह लड़ेंगे और टीम चैम्पियन टीम टिकटॉकर्स को वन साइड मैच कभी भी नहीं होने देगी, ये दानिश तैमूर ने कहा। और कल का मैच देखना मत भूलिएगा। यूट्यूबर्स की टीम जो आज हारी, हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि माज सफदर और सब टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और पॉइंट्स टेबल पर भी वो टीम नंबर वन थी, लेकिन माज ने कल के मैच में ये कहा था कि जब तक के किस्मत साथ ना हो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं जीत सकते। और आज ऐसा ही हुआ। अदमास सफदर ने आमिर सियाल की टीम चैंपियंस का ब्रीफकेस नंबर 8 ब्रीफकेस नंबर 1 से एक्सचेंज कर दिया और जब आमिर ने ब्रीफकेस नंबर 1 ओपन करवाया तो उसमें भी 10 लाख ना निकल पाए, जिसके बाद दानिश तैमूर ने दोनों टीम्स को एक एक ऑप्शन दिया कि वो एक एक ब्रीफकेस मंगवाए और जिस टीम के पास ब्रीफकेस में 10 लाख रुपये हुए तो वही जीतेगा। माज सफदर ने टीम यूट्यूबर्स के लिए नंबर 3 मंगवाया और आमिर सियाल ने नंबर 8 मंगवाया और वही एक टर्निंग पॉइंट था चैम्पियंस की किस्मत का, और वही टर्निंग पॉइंट चैम्पियंस को फाइनल में लेके गई। और कल का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, देखना मत भूलिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उस टीम का नाम हैशटैग के साथ यूज़ कीजिएगा ताकि वो टीम आपकी सपोर्ट की वजह से जीत सके। और अपने फेवरेट प्लेयर्स का भी नेम हैशटैग के साथ यूज़ कीजिएगा ताकि गेम शो ऐसे चलेगा कि टीम को पता लग सके कि कौन कौन से प्लेयर आप चाहते हैं जो सीज़न 4 का हिस्सा बन सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा सब दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।